मैं बुलेट चलाना सीख जाना चाहती हूँ। अगर गिराया तूने तो क्यों करती है तुम? मैं बुलेट चला रही हूँ। Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. हम लोग आ गए नीचे पार्किंग एरिया में और अपनी प्यारी नई नवेली बुलेट रॉयल एनपी करेंगे अब। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never say. 6 महीने बाद मेरा पहला साल है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपनी डुक डुक की सवारी पे। काम है अपने को बाहर, आज आवारा गर्दी वाला टाइम नहीं है जरा भी। अभी तो बस थोड़ा 1 घंटे का कुछ काम है, वो करके फिर दोबारा जाएंगे हम लोग। हमें तो बहाना चाहिए अपने डुक डुक में बाहर निकलने का। मुझे भी सिखानी है अपनी बुलेट। इस ट्रिप में मैं तुम्हें इंडिपेंडेंटली चलाना सिखाऊंगा। ओके। You feel the way, guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. ये क्या हो रखा है भाई? यहाँ पे किस चीज़ का मोर्चा लगा है पता नहीं, रास्ता ब्लॉक करके बैठे हैं सब। Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look. आपने आम नहीं खाए ना? खाओ खाओ, खिलाओ इनको। ऐसे मम्मी पापा को आप ना ऐसे गुलमोले से अच्छे लगते हैं। जबरदस्ती आम मेरे को दे दिए तो शायद गुठली दे रहे से की। गुठली तो मैं नहीं खाऊंगी, मम्मी खाएंगी, मम्मी को अच्छी लगती है गुठली। आज आम दिवस है, ये मेरा पांचवा आम है दिन का। भूखे लोग। मैंने कितने 4 आलू बुखारा खा लिए और आम खा लिए, इमेजिन करो। चल हम इमेजिन करते हैं। आपने भी नहीं खाया ना? आम पसंद है बहुत, लेकिन इतने नहीं खा सकते ना। खाए भी जा रही है और बोलते नहीं खा सकते। हो गया तुम्हारा आम खाना? आज मैं खाना नहीं खाऊंगी भाई, आज आम के छिलके भी खाऊंगी। आज पहले दिन में यह हाल है आम खाने का, तो आगे इमेजिन कर सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा सर है तो आम की गुठलियों से युद्ध लड़ने वाली है। ये भी है मोटो बुलेट सीखेगा। आज पहले दिन में मैं बुलेट चलाना सीख जाना चाहती हूँ कि मैं। अगर गिराया तूने तो, लास्ट टाइम तूने गिरा दिया था, इस बार गिराना मत, नहीं तो सबके सामने उठाऊंगा फिर मैं बुलेट। आज मुझे आप अच्छे से सिखाना। आज मैंने सोचा कि मतलब पहले दिन में ही मैं बुलेट चलाना सीख लूँ, सो दैट आगे मैं इनको कहीं पर लेके जाऊँ। हाँ क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड? कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। मम्मी को फिर डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं। इसको नॉर्मल न्यूट्रल ही है वो, स्पीड में नहीं आएंगे ना? नहीं। ये जो है ये गियर्स हैं। हाँ। इसको दबाना है प्लस को। हाँ। पहला गियर नीचे डालना है। धीरे धीरे छोड़नी है और प्लस भी छोड़ना है। न्यूट्रल में ही रहने दे रहे हैं क्या? अभी न्यूट्रल में रखना है ना। मतलब आपने न्यूट्रल में रखा है नीचे से ही, तो आप पीछे बैठोगे? नीचे एक गियर डाल नीचे। हाँ। हाँ। अब उसको धीरे धीरे छोड़ और रेस दे, छोड़ थोड़ा और छोड़ धीरे धीरे। तेरे राइट पैर में ब्रेक है, ठीक है? हाथ से भी तो दबा सकते हैं ना। हाँ लेकिन जरूरत नहीं है ना उसकी, झटके क्यों दे रही है? स्पीड कम है ना बेटा। लेकिन
कि पेट दबाने की मतलब अगर रोक नहीं है मेरे को रोकने के लिए भी प्रैक्टिस करना है ना। तो क्लच दबा के फिर ब्रेक दबानी है, ऐसे नहीं क्लच दबा के रखना है। अच्छा क्लच पूरा दबाना है फिर, हां ताकि बंद नहीं हो पाए। एक बार करूं अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एकदम से तूने वो क्लच और उसका रेस का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, तो धीरे धीरे छोड़ना था मतलब। अभी गियर डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गियर में है। Give me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, man. निकाल अभी अभी तूने पंजे का इस्तेमाल किया था? नहीं तो कर, जब तक यहाँ पे एन नहीं आएगा ना, देखना अभी एन आएगा, ये आया ना एन, छोड़ दे अभी क्लच, अभी क्लच छोड़ दे, हाँ छोड़ दे पूरा छोड़ दे, एन मतलब न्यूट्रल, इसमें क्लच एंगेज्ड नहीं है, ठीक है, इसमें तुम क्लच को छोड़ो फ्री करो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी क्या करूँ? क्या करूँ मतलब फिर चलानी है? अकेले चला के देखो। नहीं गाड़ी आ रही है, निकल जाएगी वो गाड़ी, वैसे भी रिवर्स जा रही है वो, डर गई मुझसे। अभी क्या करूं? अभी सेम प्रोसेस करना, अभी न्यूट्रल में है, हाँ। अभी क्लच दबा, ओके, पहला गियर डाल नीचे की तरफ, नीचे पंजा इस्तेमाल किया, हाँ, अभी हाँ। पहला आ चुका है क्योंकि पंजे को 200 दबाया तो न्यूट्रल से निकल के क्रॉस में चला गया, अभी धीरे धीरे क्लच छोड़ो और पहला गियर डाला, हाँ। एन चला गया मतलब गियर में वो एंगेज हो गया, हाँ। अभी देख अभी मैंने ऑलमोस्ट आधा क्लच छोड़ दिया है, हाँ।
यहाँ तक भी छोड़ूंगा तो चलेगा। हाँ। आता हाँ। अभी हल्की सी रेस दी, हाँ। क्लच को धीरे धीरे और छोड़ा, हाँ। गाड़ी मूवमेंट स्टार्ट होगी गाड़ी में, ठीक हाँ। है। अभी फर्स्ट गियर मेरे लिए काफी है, हाँ। सेकंड शिफ्ट कर दिया, हाँ। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कब फर्स्ट गियर लेना कब सेकंड गियर लेना? दूसरा गियर तो तुम डाल सकते हो गाड़ी के 10-15 स्पीड होने के बाद ही डाल सकते हो। अच्छा मुझे बताओ कि पहला गियर दूसरा गियर तीसरा गियर कब कब कैसे कैसे यूज करना है? देख फर्स्ट गियर डालने के बाद जब गाड़ी मूवमेंट में आ जाए ना 10-15 हाँ। किलोमीटर की स्पीड हो भी जाए, हाँ। उसके बाद तुम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि इतना तो स्पेस रहता ही है कि दूसरे पे आराम से शिफ्ट हो जाए, हाँ। दूसरे पे शिफ्ट करने के बाद तीसरा को शिफ्ट करने से पहले, हाँ। तुम देख लो तुम्हारे पास कितनी स्पेस है जिसमें तुम आराम से वो गियर डाल के मूवमेंट ले सको। अच्छा, मतलब जो रास्ता अगर खाली, हाँ, हो तो आप, हाँ, तीसरे गियर में डाल के फटाक से निकाल लो। नहीं तो दूसरा गियर तो आराम से कहीं नॉर्मल ट्रैफिक में, मतलब हम दूसरे गियर में चल सकते हैं। ओके, तो अभी मेरा सेकंड में चल रहा है। लेकिन ये पता कैसे चलता है ये फर्स्ट गियर है? वो तो अंदाजे से होगा ना। अंदाजे से ही? अंदाजा मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कौन से गियर में है गाड़ी। हम वो मतलब याद रखना पड़ेगा ना हमें। लेकिन कहीं पर लिखा भी होना चाहिए ना। वो किसी किसी में गियर इंडिकेटर आता है कि तुम्हारा कितने में चल रहा है। अभी आप ये ट्रिप पन इको लिखा है, मतलब वो तो नहीं वो है? कुछ और है। गाइस मौसम देखो कितना सुहाना है, कैसे आज के बादल है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और मौसम देखा अब तक उजाला है। But I've known you too long, it hurts too hard. बादल, I'm in love with this बादल्स। हमने 2-4 वीडियोस भी बना ली है ना, और फोटोज भी ले ली और मजे भी कर लिए। मतलब आज का मौसम, मतलब क्या कहना, कैसा लग रहा है कौशिक साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जे तो मतलब कि बहुत अच्छा है। अगर धूप ना हो और ऐसा ही मौसम हो ना, माय गॉड सक्सेसफुल हो गए। गाइस बादल, ओ हो हो, क्या बात है, मौसम तो बहुत। मैं भी इफेक्ट चेंज करके देखूं, थोड़ी मैं भी मजे लूं। पीछे पीछे जाओ। ये ऋतु का स्टाइल है सुपर टाइम वाला। As you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away. चल अब तो आ ही सकते हैं ना हम तो। नाउ तो वीकेंड आप हमारा हाथ पकड़ लो, मैं आपकी रक्षा करूंगी। तुम मेरा रक्षा कवच बन जाओगे। भूखे के जैसे मोमोज खाने आ गई। भूखे के जैसे क्या होता है? ये होता है भूखे के जैसे रेडियो पे खाना खाना। इंडिया में मजा तो इन सब चीजों का ही है। स्ट्रीट हॉकर्स बिल्कुल नहीं होते वहाँ पे यूएई में। इसका जो मजा है वो एशियन कंट्रीज में ज्यादा है। इंडिया से तो हमें तो इंडिया में मजा आता है। मेरे को डॉगी से डर लगता है। सामने आना, बता दे सामने आओ, इससे डर लगता है। अब हम बियर्ड बनाने हैं।